जादुई पैसा बनाने वाली बतख। ये कहानी शुरू होती है एक जादुई जंगल से। उस जंगल में कई जादुई बतख रहा करते थे। उन सभी के पास जादुई शक्तियां थी। उनकी एक रानी थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। एक दिन एक बतख का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं इंसानों की बस्ती में जाना चाहता हूँ, मुझे देखना है आखिर इंसान कैसे होते हैं। वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे एक बड़ा राक्षस आ जाता है। वो पूरे जंगल में हमला करने लगता है। वो राक्षस अपने मुंह से एक शक्ति छोड़ता है और उसमें बतख का बच्चा कैद हो जाता है। फिर वो बतख का बच्चा उसी के साथ उड़ता हुआ चला जाता है। उस समय रानी जंगल में नहीं थी तो राक्षस चारों तरफ तबाही मचा देता है। उस जंगल से काफी दूर एक गांव था। उस गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। आज वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है तभी उसे आसमान से एक गोला उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसमें बतख का बच्चा कैद था। उसे देखकर दीनानाथ बोला, अरे बाप रे ये क्या बला है। तब तक वो नीचे आ जाता है। दीनानाथ सोचता है, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, इससे मुझे अंडे मिलेंगे, फिर संडे हो या मंडे मैं तो रोज खाऊंगा अंडे। दीनानाथ उस बतख के बच्चे को उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद सोने चला जाता है। उधर राक्षस तबाही मचा रहा था। तभी रानी वहां पे उड़ती हुई आ जाती है। रानी और उस राक्षस में युद्ध होने लगता है। राक्षस अपनी शक्ति से वहां पे अपने जैसे दो और राक्षसों को प्रकट करता है। एक बतख रानी के पास जाती है और रानी से कहती है, महारानी जी एक से लड़ना मुश्किल था, अब ये तीन हो चुके हैं, अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे। रानी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं रानी हूँ, आज मैं इसका अंत करूंगी। रानी अपनी शक्तियों से अपने कई रूप बना लेती है और सभी एक साथ राक्षसों पे हमला कर देती हैं। वहाँ पे बड़ा विस्फोट होता है और सभी राक्षस खत्म हो जाते हैं। फिर रानी एक बड़ा जादुई गुब्बारा उस बच्चे को लाने के लिए भेजती है। उधर गांव में दीनानाथ सोकर उठता है तो देखता है बतख ने अंडों की जगह पे पैसे दिए थे। पैसे देखकर दीनानाथ बहुत खुश होता है। अरे वाह ये बतख तो मेरी किस्मत बदलेगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था लेकिन 2000 का नोट देने वाली बतख को पहली बार देखा। वो बतख को उठाता है तभी वहाँ पे वो जादुई गुब्बारा आ जाता है और बतख को लेकर उड़ने लगता है। उसी के साथ दीनानाथ भी उड़ने लगता है। गांव के लोग दीनानाथ को उड़ते हुए देखते हैं तो दौड़कर एक दूसरे का पैर पकड़कर उड़ने लगते हैं। काफी दूर तक उड़ने के बाद दीनानाथ के हाथ से बतख छूट जाती है और सबके सब एक साथ नीचे गिरते हैं। बतख वहां से वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो दिए हुए थंबनेल्स पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।